मूसलाधार बारिश के कारण रेलवे का ओवरब्रिज स्विमिंग पूल में तब्दील हो चुका है। आसपास के बच्चे बड़े ही मजे से इसमें तैरते नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल जिले के डेहरी स्थित मकराइन में बना रेल ओवरब्रिज के ज्वाइंट पिलर में दरार आ जाने की वजह से एहतियात के तौर पर पिछले महीने जब इसे परिचालन के लिए बंद कर दिया गया, पुल की दोनों साइड आवागमन को रोकने के लिए कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर दी गई। ऐसे में मॉनसून की मूसलाधार बारिश हुई तो तकरीबन 6 फीट तक पानी जमा हो गया और अब आसपास के बच्चे इसे स्विमिंग पूल के रूप में उपयोग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जब रेलवे को पुल क्षतिग्रस्त की सूचना मिली तो फिर परिचालन बंद कर दिया गया था और इसे घेर दिया गया था ताकि कोई वाहन ना जा सके। क्योंकि पुल फंस जाएगा पानी लगने के कारण से, पुल फंसने वाला है, पानी लगने के कारण भूले ना फंसेगा। पहले से बंद हुआ है, ये सब टेम्पो वाला भूखे मर रहे हैं, दुकानदार भूखे मर रहे हैं, यहाँ पर है आने जाने की रास्ता नहीं है, यहाँ पर जनता को कोई सुविधा नहीं है। अफसर खाली अपना देखते हैं, जनता को थोड़े देखते हैं। अफसर तो जनता को नहीं देखने के, अफसर किस लिए बने हैं आप? जनता के दिखाने के लिए, जनता सुखी रहे। बरसात हुई थी तो यहाँ पे पानी भी भर गया था स्कूल पर, पूरा भरा हुआ था, लगा लग था। हम लोग कल सोचे कि तुरेंगे इसको, ताकि फिर सोचे कि नहीं प्रशासन है तो बोलने लगेगा। हम लोग सोचे कि छेदा कर दे पानी निकालने का, ताकि हम लोग नहीं शिक्षा किए। क्या नाम हुआ आपका? मुन्ना ठाकुर। इस दीवार के कारण बारिश होने पर पुल के ऊपर पानी जमा हो गया, जो बच्चों के लिए अब स्विमिंग पूल का काम कर रहा है। बच्चे इसमें कूद कूद कर स्नान कर रहे हैं और रील्स बना रहे हैं। हालांकि पुल के ऊपर पानी जमा हो जाने से क्षतिग्रस्त पुल और कमजोर होने की बात सामने आ रही है। पुल के ऊपर बच्चों का यह स्विमिंग पूल का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल के बनने के कुछ ही साल बाद इसका पाया दरार और क्षतिग्रस्त हो गया। ऐसे में परिचालन बाधित है और बच्चे इस पर स्विमिंग पूल की तरह तैराकी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में जहां पुल कमजोर हो रहा है, पुल टूट भी सकता है। जैसे ही रेलवे ओवर ब्रिज पर सीमित पुल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, आनंद फानन में रेलवे के अधिकारियों ने मौके पर मजदूरों को भेजा और दोनों साइड की कंक्रीट दीवारों में ड्रिल करवाया ताकि पानी निकलना शुरू हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ PR लाइव, पटना।